प्रेमी नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान गई। राजस्थान भिवाड़ी की शादीशुदा अंजू, अब प्रेमी ने शादी से किया इनकार। अपने प्रेमी नसरुल्ला उर्फ नसर से मिलने के लिए पाकिस्तान गई 34 साल की अंजू के मायके और ससुराल में लोग हैरान हैं। जयपुर घूमने के लिए जा रही हूं, ऐसा बोलकर पाकिस्तान पहुंच गई अंजू के पति को जब ये बात पता लगी वह खुद भौचक्के रह गए। इसके बाद जैसे जैसे ही ये खबर फैलने लगी, परिवार वालों को खबर पता चली, सभी लोग हैरान रह गए। आपको ये बता दें कि अब दोनों देशों की केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में पड़ताल में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच अंजू ने पाकिस्तान से एक वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में अंजू ने कहा है कि उनके परिवार वालों और साथ ही उनके बच्चों को परेशान ना किया जाए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि मैं मीडिया और तमाम लोगों से कहना चाहती हूं कि हमारे परिवार वालों को परेशान ना किया जाए, वे जल्द ही भारत वापस लौट आएंगे और पाकिस्तान में वे पूरी तरीके से सेफ यानी कि सुरक्षित हैं। विवाहित भारतीय महिला अंजू की बात करें तो वह कानूनी तौर पर पाकिस्तान गई हैं। पहले 2 सालों तक वीज़ा का इंतज़ार किया है और आखिरकार जब उसे 1 महीने का वीज़ा मिला तब वह पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। पति को कहा कि वह जयपुर घूमने के लिए जा रही है, अपने दफ्तर में कहा कि उसे गोवा जाना है और ऐसे ही तमाम लोगों को झूठ बोलने के बाद वह सीधा पाकिस्तान पहुंच गई। पड़ोसी मुल्क में अपने फेसबुक मित्र से मिलने के लिए वह एक दूर दराज गाँव में गई है। अंजू वापस आने के लिए कहती हैं कि वह भारत जल्द ही वापस लौट आएंगी। बता दें कि अंजू का वीज़ा 20 अगस्त तक है और 20 अगस्त को ही वह वापस भारत लौट आएंगी, उसका वीज़ा तभी समाप्त होगा। वहीं अंजू के पाकिस्तानी फेसबुक मित्र ने सोमवार को बताया था कि वह दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन इसके बाद वह अपने बयान से पलट गया है और अंजू के प्रेमी नसरुल्ला ने कह दिया है कि अंजू और नसरुल्ला के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी प्रेम संबंध नहीं है और नसरुल्ला ने यह भी कहा है कि वह अंजू से शादी करने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अंजू इस वक्त लाहौर के दीर बाला में नसरुल्ला के घर पर ही रह रही है। 35 साल की अंजू उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव की रहने वाली है। वर्तमान समय में वह राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहती है। वह भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करती है। उनके पति अरविंद भी जॉब करते हैं। दोनों की शादी को लंबा समय हो चुका है, दोनों भिवाड़ी में रह रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि अंजू और अरविंद के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। अंजू की 2 साल पहले फेसबुक मित्र से बातचीत हुई और प्यार में बदल गई और इसी के बाद वह पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन इन सभी के बीच 29 साल के अंजू के प्रेमी नसरुल्ला खैबर ने अपर दीर के कुलसो गांव में अंजू का स्वागत तो बड़े प्यार से किया, लेकिन बाद में कह दिया कि वह जल्द ही भारत वापस लौट जाएंगी और वह अंजू से किसी भी तरीके से शादी की कोई भी योजना नहीं बना रही हैं। अंजू पाकिस्तान घूमने के लिए आई है। नसरुल्ला ने कहा कि उन दोनों का शादी का कोई इरादा नहीं है और वे जल्द ही वापस भारत लौट जाएंगी। आपको बता दें कि नसरुल्ला पेशावर से 300 किलोमीटर दूर अपर दीर के कुलशो गांव में रहने वाला है और उसने फ़ोन पर बताया है कि अंजू उनसे मिलने के लिए आई है। 20 अगस्त को जब उसका वीज़ा खत्म हुआ तब वह भारत लौटेगी। साथ ही एक दिन पहले तक शादी की बात करने वाले नसरुल्ला सोमवार को मुकर गए और कहा कि दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है, ना ही शादी का इरादा है। इसके अलावा अंजू की बात करें तो वीज़ा मिलने से पहले अंजू ने खुद को होटल मैनेजर बताया और बताया कि वह नसरुल्ला के परिवार में आयोजित होने वाली शादी के समारोह में शामिल होने के लिए जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में 34 साल की अंजू की फेसबुक पर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला जो कि 29 साल के हैं उनसे मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट हो गई। दोनों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। फेसबुक से दोनों व्हाट्सएप पर आ गए, व्हाट्सएप पर कॉलिंग के जरिए बातचीत होने लगी। दोनों घंटों घंटों बात करने लगे और दोनों को इतना अच्छा लगने लगा कि वह प्यार में बदल गया। प्यार में दीवानी अंजू यह भूल गई कि नसरुल्ला पाकिस्तान में रहते हैं और 2 साल तक वह लगातार वीज़ा के लिए अप्लाई करती रही। साथ ही अंजू ये भी भूल गई कि वह एक शादीशुदा महिला है और उसके 2 बच्चे भी हैं और उन सभी बातों को भूलकर वह घर में सभी लोगों से झूठ बोल करके सीधा पाकिस्तान पहुंच गए। अंजू की बात करें तो उसके परिवार में उसके पति अरविंद के अलावा 15 साल की एक लड़की और 6 साल का एक लड़का है। बहरहाल अंजू की ये कहानी इस वक्त पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान मुल्क में भी इसकी चर्चा है। लगातार हमारी इस खबर पर नजरें हैं। आप जो कुछ राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।